ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुमको दिया है मोर देन आर इक्वल टू, तो इसमें क्या किया है, जीरो से नहीं लेकर इसको उल्टा लिख रखा है, मोर देन इक्वल टू 80, फिर 70, फिर 60, और ये दिया नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आप इस क्वेश्चन से आपको मीन भी पूछ सकता है, मीडियन भी पूछ सकता है, और मोड भी पूछ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड द मीडियन। अब सबसे पहले इससे हमको निकालना होता है क्लास इंटरवल, तो हमने लिख दिया क्लास इंटरवल सी आई, उसके बाद होता है एफ आई, फ्रिक्वेंसी निकालेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी के बाद जो पूछेगा उस हिसाब से करेंगे, मीडियन पूछेगा तो सी एफ निकालेंगे, मीडियन जैसे हमको निकालना था यहाँ पे सी एफ निकालेंगे। देखो ये भी तुम्हारा सी एफ ही दिया रहता है, लेकिन मोर देन का सी एफ मीडियन में यूज नहीं होता है, मोर देन का सी एफ जो है वो तुम्हारा मीडियन में यूज नहीं होता है, क्लियर। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल है तो हमारा क्या बनेगा, देखो 0 से 10, 10 से 20 ऐसे बनेगा क्लास इंटरवल। तो पहले हमारा क्या आएगा 0 से 10, फिर क्या आएगा 10 से 20, फिर आएगा 20 से 30, फिर 30 से आएगा 40, फिर 40 से आएगा 50, फिर 50 से आएगा 60, फिर 60 से आएगा 70। अब देखो ये क्या दिया है, मोर देन इक्वल टू 80, तो कोई भी जब मोर देन लेस देन बनाते हैं ना, ये जो होता है तुम्हारा लोअर लिमिट से बनता है, मोर देन 80 मतलब 80 से 90 तक भी जाएगा ये, एक तो 70 से 80 आएगा पहले यहाँ पे, और एक आपका 80 से क्या आएगा 90। आगे बात समझ में, 80 से 90 तक जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ दिया कि मोर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा तो सारे आएंगे ना, इसका मतलब 34 यहाँ पे क्या है कैंडिडेट है, ठीक है। तो 34 कैंडिडेट में है कि 0 से ज़्यादा है, और ये दिया है मोर देन 10, तो 10 से ज़्यादा कितना है 32 है, तो 0 और 10 के बीच में कितना, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, 34 माइनस 32। समझ में आ रही बात, ये चाहे ऊपर से लिखा हो चाहे नीचे से लिखा हो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, हमको ये देखना है कि मोर देन 0 ये दिया है और मोर देन 10 ये दिया है, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का 0 और 10 के बीच कितना आएगा 2 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो 34 माइनस 32 इक्वल टू 2। अब फिर से क्या आएगा तुम्हारा, अब कह रहा है कि 10 से 20 से 30 सॉरी नहीं ये यहाँ आएगा ऊपर आएगा, ये 0 से 10 था ना, तो ये 0 से 10 वाला यहाँ आएगा 34 माइनस 32, ये आ गया तुम्हारा 2 आ गया। अब हमारा देखना है 10 से 20, देखो 10 से ग्रेटर ये है और 20 से ग्रेटर ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इसमें भी डिफरेंस तुम्हारा 2 ही है, 32 माइनस 30, ये तुम्हारा ये भी 2 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद से आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे 20 से 30, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 30 माइनस 27। अब चाहो तो तुम ये इसको लिखो चाहे डायरेक्ट, ये समझने के लिए आ गया 30 माइनस 27 कितना आ गया 3, ऐसे 3 लिख दिया। उसके बाद से चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 30 माइनस 27 समझने के लिए। अब 30 से 40 में इनका आएगा डिफरेंस कितना आएगा 27 माइनस 23, ये हमेशा लाइन के सामने लिखना, ये ध्यान रखना कितना आएगा यहाँ पे 4। फिर आपका यहाँ पे आएगा यहाँ से 40 से 50 के बीच में 23 माइनस 17, ये इसमें से माइनस करो कितना आएगा तुम्हारा 3 और 3 6 6 आ गया। फिर हम यहाँ से लेंगे 50 से 60 है, तो 50 से 60 के बाद इन दोनों का गैप आएगा 17 माइनस 11, ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे 6। फिर यहाँ करोगे 60 से 70 के बीच इन दोनों का गैप आएगा 11 माइनस 6 5। फिर हम लेंगे यहाँ पे 70 टू 80, इन दोनों का गैप आएगा 70 टू 80 में कितना आएगा 6 माइनस 4, ये आएगा 2। अब हमको लेना है यहाँ से 80 से 90 करें, मोर देन इक्वल टू 80 है, मतलब 80 से ज़्यादा कितने हैं 4 लोग हैं, इसलिए 80 से 90 के बीच कितना आएगा 4 आएगा, ये बात समझ में आ गई, 80 से 90 के बीच कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो ये दो ये तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, जैसे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया होता है उस तरह से एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया इसके हेल्प से, ये दिया रहेगा और इसके हेल्प से ये चीज़, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे बना दिया है,
पेपर में नहीं बनाना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे मान लो हमको मीडियन निकालना है, तो हमको क्या करेंगे, फिर सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ इसमें क्या आएगा, टू, फिर टू और टू, फोर, फोर थ्री, सेवन, सेवन फोर, एलेवन, एलेवन सिक्स, कितना हो गया, सेवनटीन, सेवनटीन और सिक्स हो गया तुम्हारा ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री और फाइव, ट्वेंटी थ्री और फाइव ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और टू थर्टी, थर्टी और फोर थर्टी फोर, थर्टी फोर था हमारा पहले भी और ये हमारा थर्टी फोर आ रहा है, या इसको ऐड करके देखोगे कि 34 तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, अब हमको मीडियन निकालना हो तो n कितना है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे है 34, n की वैल्यू कितनी है 34, तो n बाई टू कितना हो जाएगा 34 बाई टू 17। अब देखेंगे इसमें 17 कहाँ आएगा, देखो ये 17 आ रहा है, 17 आ रहा मतलब 17 टर्म इसी के अंदर आएगा, ये नहीं कि 17 का आगे वाला देखेंगे, ये भी ध्यान देना 17 आ रहा है, तो आप यहाँ से जब काउंटिंग करते जाओगे तो 17 वाला टर्म इसी मीडियन में आएगा, इस वाले में, आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास, क्या हो गया मीडियन क्लास, कितना हो गया देयरफॉर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितना हो गया हमारे को 4250। तो एल कितना हो गया हमारे को 40, एफ कितना हो गया, कितना है यहाँ पे एफ कितना है 6, सी एफ, एफ हो गया 6, सी एफ कितना हो गया, सी एफ इसके ऊपर वाला, इसको बोलेंगे सी एफ 11, उसके बाद से क्या आएगा तुम्हारा एच आएगा ना, एच कितना है 10, बस फार्मूला लगा दो आ जाएगा क्वेश्चन, और कुछ तो नहीं बचा, ठीक है। एन बाई टू निकल गया, तो मीडियन का क्या फार्मूला होता है, मीडियन फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, लिख दो एल कितना है यहाँ पे, एल है 40 प्लस एन बाई टू 17 माइनस सी एफ कितना है 11 अपॉन एफ कितना है, एफ है 6 इंटू 10, दिया जाएगा 40 प्लस 11 माइनस 6 कितना 6, 6 से 6 क्या हुआ कट जाएगा ये इंटू 10, 6 6 कट गया तो कितना हुआ 40 प्लस 10 बचेगा 50, ये 50 इसका क्या आ जाएगा, इसका तुम्हारा मीडियन आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा सा आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया आंसर आ गया, 50 इसका क्या आएगा मीडियन आएगा। अब इसी क्वेश्चन का तुम लोग हम इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे हमने निकाला मीडियन, इसमें मीन भी निकाल लो, इसमें मोड भी निकाल लो, मीन और मोड दोनों चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस तरह के जैसे मान लो आ गया आपका क्वेश्चन कि ये आपको मोड दिया रहेगा और फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई, जैसे मीडियन में दिया है, ठीक है, मीडियन में एक्स वाई का क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल्स में भी दिया है एनसीईआरटी में और भी आते रहते हैं, तो इस तरह ये मोड में भी आ सकता है कि मोड इसका दिया है इस डेटा का 65 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y आपको फाइंड आउट करना है, टोटल इसका सम दिया है 70 जैसे वहां भी दिया रहता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हमको मोड क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कोई एक्स्ट्रा हमको कॉलम नहीं बनाना होता है, इसी में हम देखते हैं कि हमारा ये एफ आई क्या होगा, एफ वन क्या होगा और एफ टू क्या होगा, ठीक है, या एफ जीरो क्या होता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हम देंगे, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि मॉडल क्लास हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास क्या होता है कि जहां मोड लाइज करेगा, मोड कितना है 65, तो 65 किसके अंदर लाइज करेगा, 60 से 80 के बीच में, ठीक है। तो मोड कितना दिया है यहां पे, सिंस मोड इक्वल टू 65 लाइज इन 60 to 80, देयरफॉर मॉडल क्लास जो होगा वो आपका हो गया 60 to 80। तो L की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 60 निकल गई हमारी, ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि L की वैल्यू हमारी कितनी 60। अब इसी के सामने जो होता है ये क्या होता है, एफ जीरो इसको ले लें, एफ वन और एफ टू, हम क्या करेंगे इसमें, तो जो ये तुम्हारा दिया मॉडल क्लास आया है ये, ठीक है, मॉडल क्लास 60 और 80, तो मॉडल क्लास 60 और 80 है, तो इसमें हमारा ये क्या बनेगा, एफ वन बन जाएगा,
और इसके ऊपर वाला एफ जीरो हो जाएगा, नीचे वाला एफ टू हो जाएगा। तो एफ जीरो कितना हमारा आ गया, एफ जीरो एक्स हो गया, एफ वन कितना हो गया हमारा, एफ वन हो गया 12 और एफ टू हो गया हमारा वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें एच भी चाहिए हमको, एच ले लो यहाँ पे, एच कितना आ गया 20। अब सिंपली मोड का फार्मूला पुट कर दो, मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये होता है, ये आपका मोड का फार्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, ये जैसे 70 आया है, चलो पहले इसको बना लो, उसको बाद में बना लेंगे हम। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा मोड, मोड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, मोड की वैल्यू कितनी है 65, एल कितना है 60 प्लस एफ वन, एफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है 12 माइनस एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू है एक्स अपॉन टू एफ वन 24 माइनस एफ जीरो एक्स माइनस एफ टू वाई इंटू एच कितना है 20। अब ये इधर क्या हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा ये 65 माइनस 60, इसको डायरेक्ट चाहो तो लिख लो 5 हो जाएगा ये, और ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ये 5 वाला ये टर्म क्या होगा इधर डिवाइड, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 अपॉन ये आ गया 20 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 12 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स प्लस वाई। इसको हम एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे, अब इसको चाहो तो इसको काट सकते हो आप, 5 वन जा 5 5 4 जा, तो यहाँ से हमारा आ गया 1/4, 1/4 इक्वल टू ये आ गया। दूसरा देखो ये क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है इन सबका सम जो आएगा कितना आएगा 70 आएगा, सबका सम कितना आएगा 70 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 8 प्लस से आ गया ये 11 19 और 8 और ये 12 जोड़ दो 20 और ये 20 हो गया 45 और ये 5 54 हो गया। तो ये तुम्हारा यहाँ बन जाएगा, ये जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका 54 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70, ये जो 70 की इक्वल आ रहा है तो यहाँ से ये मिल जाएगा तुम्हारा 54 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70 आ गया। ये पूरा ये टर्म इसको हमने ऐड किया तो किसके इक्वल है, ये 70 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70 माइनस 54, ये हो गया 16, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको 16 मिली, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब इस एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, पुटिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 इन 1, तो ये हो गया 1/4 था यहाँ पे इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगा हमारा डायरेक्ट यहाँ 16। अब इसको क्रॉस ये करो, 1/4 इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन ये कितना आएगा 8, क्रॉस कर लो यहाँ पे, तो 12 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल टू 8 हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8/4, 4 से कट गया 2, एक्स इधर गया तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ गई 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू यहाँ निकाल लो, इस साइड जगह है, यहाँ जगह है। हमारा क्या था, एक इक्वेशन 2 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 में क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 था, x की वैल्यू आ रही है 10, 10 प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो आंसर जो हमारा आएगा, फाइनल आंसर लिखा करो बोर्ड में, फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी इसमें x और y की,
इस तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे मीडियन का क्वेश्चन आता है उस तरह ये मोड के भी क्वेश्चन आ सकता है।